सो हेलो गाइस, अगले वीडियो में मैंने इस मूर्ति को बनाना सिखाया था मिट्टी से। तो आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और इस वीडियो में हम इस मूर्ति को कलर करना सीखेंगे। और उस वाले वीडियो का मेकिंग वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना वहाँ से। तो अभी सबसे पहले हम मूर्ति को वाइट कलर से कलर कर लेंगे। देखिए, हमने कलर कर लिया है। और उसके बाद से हम स्किन कलर से कलर करेंगे। तो ये स्किन कलर हमने 80% व्हाइट और 20% ऑरेंज मिक्स करके बनाया है। और इसी से हमने लक्ष्मी और गणेश जी के बॉडी को कलर किया है। और रेड से हमने लक्ष्मी जी के साड़ी को कलर किया है। देखिए, साड़ी को हम रेड कलर से कलर कर लेंगे अच्छे से सबको। और उसके बाद से गणेश जी के धोती को हम कलर करेंगे येल्लो कलर से। सारी धोती को कलर कर लेंगे येल्लो कलर से। तो देखिए, हमने कलर कर लिया है। और ये हमने लिया है बैगनी कलर। और उसी से हम ये जो है गणेश जी का जो शॉल है उसको हम कलर करेंगे। और ग्रीन कलर से हम लक्ष्मी जी का ब्लाउज बना लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए हमने कैसे किया है। देखिए पीछे से भी हम अच्छे से सबको बारीकी से कर लेंगे, ब्लाउज बना लेंगे। और ये सब हम कर लेंगे। देखिए, और ये रहा हम आइज का डिटेलिंग कर रहे हैं। तो बीच में हमने जो स्किन कलर लगाया था उसको हम थोड़ा वाइट कलर लगा लेंगे। आँख का जो आप लोग देखे थे ना, वाइट रहता है हल्का अंदर। और उसके बाद से हम जो भी आई लेसेस है, आई लाइनर है, सबको हम बनाएंगे। देखिए हमने कैसे किया है, आँख का डिटेलिंग कर लेना है। और ये हमने जो अंदर का जो आई बॉल जो रहता है वो हम बनाएंगे। सबसे पहले हम ग्रीन कलर करके छोड़ देंगे। उसके बाद से हम उस पर ब्राउन कलर अप्लाई करेंगे। और वाइट कलर से देखिए हमने कैसे आँख का डिटेलिंग कर लिया है। तो देखिए हमने आँख का डिटेलिंग कैसे किया, आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद से ब्लैक कलर से हम इनका जो भी है आई वो बना लेंगे सब अच्छे से। देखिए, और एक बिंदी भी हम रेड कलर से बना लेंगे। और अब हम गणेश जी का आँख भी सेम उसी प्रकार से, सेम लक्ष्मी जी का डिटेलिंग किया था सेम उसी प्रकार से हम गणेश जी का भी आई डिटेलिंग करेंगे। देखिए, और हम गणेश जी का भी टीका बना लेंगे जो त्रिशूल टाइप का होता है उनके माथे पे, वो भी हम बना लेंगे सेम टू सेम। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने बना लिया है। और जिस स्किन कलर से हमने इनके बॉडी को कलर किया था उसी में हमने 10% रेड मिक्स करके हमने ये शेडिंग कर दिया है गणेश जी के और लक्ष्मी जी के बॉडी पे। देखिए देखिए हम कुछ इस प्रकार से, और ऊपर जो भी हेयर का जो है वो हम ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों को। देखिए कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद से हम पैरों में पैर का डिटेलिंग कर लेंगे। लक्ष्मी जी के पैर का आलता जो रहता है वो सब लगा लेंगे। और गणेश जी के पैर में हम आलता नहीं लगाएंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये जो गणेश जी के हाथ में पोती था उसको ये मैंने डिटेलिंग कर लिया है। और ये नीचे का जो बेस है जिस पे इन लोग का पैर है वो भी हम कलर कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से। और अब हमने गोल्डन कलर लिया है। और गोल्डन कलर से अब हम लक्ष्मी जी और गणेश जी के साड़ी का डिटेलिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने लक्ष्मी जी की साड़ी का डिटेलिंग कुछ इस प्रकार से कर लिया है। और देखिए, सब गोल्डन कलर से हम अच्छे से कर लेंगे साड़ी का डिटेलिंग। आँचल वाचल सब हम इसी से बनाएंगे जितना भी गोल्डन से। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने लक्ष्मी जी की साड़ी की डिटेलिंग कर लिया है। और गणेश जी को भी हमने कर लिया है। देखिए, उनका वीडियो हमने नहीं दिखा पाया, शूट नहीं हो पाया, गलती से मतलब किसी ने बटन आके मतलब जो होता है वो ऑफ कर दिया था तो वीडियो नहीं हो पाया। बट देख लीजिए आप लोग सेम मैंने कैसे डिटेलिंग किया। और उंगली में गोल्डन कलर लेके हमने जो वो लोग बैठे हैं जो सिंहासन है उस पर शेडिंग कर दिया है। और एक कलश को हमने जो बनाया था उसको भी हम गोल्डन कलर से कलर कर देंगे। और मूर्ति को कलर करने के बाद से अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए हमने बॉल चैन का और कुछ कुंदन स्टोन का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम बाल लगा देंगे। और गाइज, आप लोग को भी सीखना है कि बाल मैंने कैसे बनाया है। अगर आप लोग बना लोगे तो अच्छी बात है, अगर आप लोग को सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। या आप लोग को कहीं भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूंगा और मैं आप लोग को समझा दूंगा कि उसको कैसे बनाना है। तो आप लोग कमेंट करके एक बार पूछ लेना जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो और ये सब हम जितना भी बनाया है, ज्वेलरी, मुकुट वगैरह, ये सब मैंने हाथों से बनाया है।
बॉल चैन का यूज करके और कुछ सनफ्लावर स्टोन हमने देखे। और ये हम लक्ष्मी जी का टीका बना लेंगे, मंग टीका जो होता है देखिए कुछ इस प्रकार से। और ये अब हम गणेश जी को भी एक मुकुट लगा देंगे। और देखिए गैज, इनका मुकुट हमने लास्ट में चेंज कर दिया था, अभी आप लोगों को गणेश जी का मुकुट कुछ अलग दिख रहा होगा, बट लास्ट में मुकुट का लुक जो है चेंज हो जाएगा। और हमने एक लक्ष्मी जी को नथ भी पहना दिया, आप लोग देखिए ध्यान से। और नीचे पैर में भी हम बॉल चैन से पायल बना लेंगे। लक्ष्मी जी से हमको दो बनाया है और गणेश जी ने एक ही पायल का बनाया था देखिए। और पीछे हम ये चंद्रिका लगा लेंगे, देखिए चंद्रिका लगा लेंगे इस प्रकार से। और ये हमने छोटे छोटे दो उल्लू और मूषक राज को भी बनाया था, तो इसको भी हम नीचे इन दोनों को भी सेट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी मूर्ति बनकर रेडी है, देखिए हमारी मूर्ति का फाइनल लुक। Yeah.